देश में अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर कोई भी कानून बना दो तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। उसे देश के विकास और संप्रभुता के लिहाज से कभी देखा ही नहीं जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ की जाती है वोट बैंक की राजनीति। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। अपने देश को कट्टरपंथ के जहर से बचाने के लिए, जिहादियों को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ कड़क फैसले भी लिए जाते हैं। ऐसा ही एक कड़क फैसला लिया है फ्रांस सरकार ने। दरअसल इस्लामी कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस की सरकार ने एक कड़ा और अहम फैसला लिया है। विदेशी इमामों की नियुक्ति पर फ्रांस सरकार ने अब रोक लगा दी है। इसके पहले फ्रांस सरकार ने हिजाब को बैन किया था। इसके बाद वहां के अल्पसंख्यक नाराज भी हुए, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आज उन्हें इन नियमों को मानना ही पड़ रहा है। अब एक बार फिर से इन कट्टरपंथियों के जहर को फैलने से रोकने के लिए फ्रांस सरकार ने एक फोरम का गठन किया और सरकार ने इस मामले में यह भी कहा कि मुस्लिम समाज को कट्टरपंथी विचारधारा से दूर रखने के लिए फोरम ऑफ इस्लाम का गठन किया जाएगा। यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जो मुस्लिम अलगाववादियों से सबसे अधिक परेशान है, इसलिए विदेशी इमामों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। 2015 में आपको बता दें कि ISIS से जुड़े फ्रांसीसी और बेल्जियम को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस अटैक में लगभग 130 लोग मारे गए थे और करीब 500 लोग घायल हुए। वहीं 2015 में व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्दो के कार्यालय को निशाना बनाया गया जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। अलकायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। 2016 में ISIS समर्थक ने नीस में बेस्टिल डे पर आतिशबाजी देख रहे लोगों की भीड़ पर ट्रक चढ़ाया जिसमें 86 लोग मारे गए थे। वहीं कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिन पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस में इस्लामी आतंकवाद किस हद तक जड़ें जमा चुका है या अपनी जड़ें फैला रहा है, जिसे काटने के लिए फ्रांस सरकार लगातार काम कर रही है। मुस्लिम अलगाववादियों पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस की सरकार ने कड़े और ये कुछ सख्त फैसले लिए हैं। उन फैसलों में अब विदेशी मुस्लिम इमामों पर रोक लगा दी गई है। खासतौर पर इनके लिए कानून भी बनाया गया है जिसमें विदेशी इमामों को उनके देश भेजा जाएगा या उन्हें स्थानीय मस्जिदों में कम महत्व वाली भूमिका में रखा जाएगा। फ्रांस सरकार खुद धार्मिक नेताओं का चयन एक कमेटी के जरिए आगे से किया करेगी जिसमें सरकारी अधिकारी शामिल होंगे जो मुस्लिम समाज को गाइड करने का काम करेंगे ताकि वो कट्टरपंथी ताकतों के बहकावे में ना आ सके, यानी हर तरह से कट्टरपंथियों की शक्तियों को कम करने की तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने पहली बार फरवरी 2020 के अपने भाषण में पहली बार ये प्रस्ताव रखा था। उनका मानना था फ्रांस को किसी भी कीमत पर अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को संजो कर रखना चाहिए। चरमपंथी फ्रांस को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मैक्रोन का तर्क था कि विदेशी सरकारों द्वारा जिन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, जिनकी आर्थिक सहायता की जा रही है, वो इमाम उस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं जो इस्लामी अलगाववाद की शक्ल में है। हाल ही में अगस्त 2023 में फ्रांस ने सार्वजनिक स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाया था। 2021 में फ्रांस ने अपहोल्डिंग रिपब्लिकन वैल्यूज कानून पारित किया जिसने सरकार को उन धार्मिक संगठनों की निगरानी करने और भंग करने की व्यापक शक्तियां दी जो कि फ्रांसीसी रिपब्लिकन मूल्यों के विपरीत बढ़ावा दे रही थी। अब फ्रांस की इस नई नीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।